हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू दी माई स्टडीज़ चैनल दी स्टडी। फ्रेंड, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज से मतलब यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है अस्थायी रूप से, यानी परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और वहाँ से जब डेटा हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन करते हैं। एंड फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। फ्रेंड, हम जब जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है तो उस पर जब हम काम करते हैं तो अचानक अगर लाइट कट हो जाता है तो वहाँ पे डेटा क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर हुआ रहता है, तो वो इरेज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो डेटा सेव होना रहता है तो वो रैम मेमोरी में होता है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर रैम होगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। फ्रेंड, यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, मतलब बाह्य रूप से उसमें अटैच करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। और जो इंटरनल होती है, जो बिल्ड इन होती है कंप्यूटर में, वो इंटरनल कहलाती है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो सेलफोन होते हैं, जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, उसमें फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, सीपीयू को भी माइक्रो प्रोसेसर हम कहते हैं, यानी कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, जो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो इन्फॉर्मेशन के प्रयोग से लिखी और पढ़ी जाती है। फ्रेंड, यहाँ पे स्टोरेज मीडिया मतलब जो भी होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, यानी सीडी हो गया, सीडी को ही कैसेट बोलते हैं हम, और फिर हमारा कोई भी हो गया जैसे जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता हो, पेन ड्राइव हो गया, या फिर यहाँ पे तो स्पेसिफिक सीडी से लिया गया है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो उस पर जो वो तो वृत्ताकार होता है, सर्किल होता है, तो उस पर जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे लेज़र किरणों के माध्यम से ही डेटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है, वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। जैसे हमारा डिस्क है, डिस्क क्या होता है, सर्कल होता है, वो गोलाकार होता है, तो वहाँ पे जो डेटा होती है वो सेक्टरों में विभाजित होती है। मान लीजिए कोई सर्कल है, इसको ऐसे 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 विभाजित किया गया रहता है, तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। जो ये पार्ट कहलाएगा वो सेक्टर कहलाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग कहलाएंगे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। फ्रेंड, यहाँ पे प्रोग्रामों का सेट निर्माण करने के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी ROM, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो क्या होता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। इसमें जो होता है कि राइटेबल नहीं होता है, रीराइटेबल नहीं होता है, बस राइटेबल होता है। जो भी इसमें डेटा होती है उसको हम क्या करते हैं कि एक ही बार उसको हम लिख सकते हैं, उसको इरेज करके फिर से डेटा उस पर लिखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्मवेयर होता है वो प्रोग्रामों का सेट होता है, यानी प्रोग्रामों को सेट का निर्माण करते समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, उसी को फर्मवेयर कहते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट को के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करते हैं। फ्रेंड, हम सब जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड होता है, जहाँ पे सारे जो स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे लगे रहते हैं, और उसके अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं उसमें जो भी चीज कंपोनेंट्स होते हैं लगे रहते हैं। तो जो बसेस होती हैं, जो बसेस जैसे तार होता है उसमें बसेस बोला जाता है, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो बसेस क्या होती हैं, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, बसेस के माध्यम से ही ट्रेवल करता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक्सेसरीज जिस स्थान पर यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं पोर्ट। फ्रेंड, यहाँ पे जो पोर्ट है, सॉरी,
वह एक्सेसरीज जिस स्थान पर यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। फ्रेंड हमने देखा होगा कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसके जो साइड में जो जो उसकी चौड़ाई होती है उसके साइड में जस्ट नीचे देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कई जगह स्लॉट्स बने रहते हैं जहाँ पे हम लोग यूएसबी ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं और कोई भी डेटा उसमें से क्या करते हैं अपने मोबाइल वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो वो लगाते हैं वहाँ पर तो उसे क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। और वो क्या करती हैं किसी भी जो क्या बोलते हैं जो बाहरी यूएसबी ड्राइव होते हैं उसे अटैच करती है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा के आविष्कारक कौन है। फ्रेंड यहाँ पे जावा जावा क्या होता है, जावा जो होता है एक लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और इसे किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। यानी जावा के जो आविष्कारक है कौन थे, सन माइक्रो सिस्टम है। और इस फ्रेंड आजकल जावा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि काफ़ी इजी होता है प्रोग्रामिंग करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII में कैरेक्टर होते हैं। फ्रेंड ASCII का मतलब यहाँ पे जो है 256 कैरेक्टर होते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में गलतियाँ ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिबगिंग। जैसे हम कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, रन कराने से पहले डिबगिंग करते हैं जिससे क्या होता है कि जो एरर होता है वो सामने आता है कि किस रो में एरर है, तो वो क्या कहलाएगा, डिबगिंग कहलाएगा। जो एरर ढूंढने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को बताता है कि उसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो यूटिलिटी जो क्या करता है कोई भी जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार उसके यूजर्स को इजी बनाया जाए वो क्या होता है, यूटिलिटी के द्वारा ही होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है कितना इजी यूज हो, यानी कंप्यूटर को चलाने में सहायता करता है वो कौन सा है, यूटिलिटी है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल स्रोत से किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। फ्रेंड हम लोग सब लोग जानते हैं कि बैकअप, बैकअप क्या होता है, जब हमारा कोई भी मोबाइल वगैरह क्या होता है कभी कभार उसका हम लोग क्या करते हैं अक्सर बैकअप ले लिया करते हैं क्योंकि जो हमारे इन्फॉर्मेशन डेटाज होते हैं क्या करते हैं रीस्टोर हो सके, ताकि जो भी अगर कभी खो जाए तो क्या करें हम उसको अपने मोबाइल में फिर से इंस्टॉल मतलब रिकवर कर सकें। तो क्या होता है कि जो मूल स्रोत होता है जहाँ पे रूट होता है वहाँ से डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण यानी सेविंग करना क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम ऑफ ओवर समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है कहलाता है। I mean, क्या होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलने में सहायता करता है, तो यहाँ पे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड जो हमारा कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप हुआ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेट नहीं हो सकता है, कंप्यूटर का मेन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं हो गया विंडोज़ हो गया यूनिक्स लिनक्स ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर कोड में गलतियाँ ढूंढने की प्रक्रिया ये तो हो ही गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। फ्रेंड यहाँ पे फ्लोर चार्ट में क्या होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है सब लोग जानते ही होंगे कि आजकल फ्लो चार्ट एल्गोरिदम है आजकल काफ़ी चर्चा में रह रहा है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या होता है कि हम कभी कभार क्या करते हैं ग्राफिकल रूप से चीज़ों को दर्शाते हैं जिससे क्या हो इजीली समझ में आ सके, तो उसे क्या कहते हैं फ्लो चार्ट करते हैं। जहाँ पे ग्राफिकल की बात आ जाए तो वहाँ पे फ्लो चार्ट होता है और एल्गोरिदम तो आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम का क्या होता है समूह होता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान की क्षेत्र संबंधित है। जो हमारा फोर्ट्रान है ये तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिर हम जानते हैं कि ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा से संबंधित है यानी साइंटिफिक लैंग्वेज से संबंधित है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं पहली बार इसी भाषा उसी के लिए स्पेशली बनाया गया था, वैज्ञानिक लोग को यूज करने के लिए इस भाषा का डेवलप किया गया था। इसी तरह है C#, इसी तरह बहुत सारे जो लैंग्वेज होते हैं जैसे मैं C# हो गया फिर C हो गया और ऐसे C++ हो गया, ये सब क्या है अब इस टाइम के जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स क्या होता है। हमने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि यहाँ पे यूनिक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है किसी भी कंप्यूटर का बेस होता है। जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या है
मतलब वो काम करने योग्य नहीं है, आई मीन वो बेकार ही है जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोग जानते हैं, इसी तरह लिनक्स होता है, इसी तरह विंडोज़ होता है, डॉस होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। फ्रेंड अभी हम लोग अलग अलग लैंग्वेज सुन रहे हैं, लेकिन इससे पहले 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 यही सब असेंबली लैंग्वेज ही आया था, जो क्या करता था कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में करता था। फ्रेंड इसमें क्या होता था कि निमोन इसके जो कोड होते थे जो कि अल्फाबेटिकल होते थे, और ये क्या होता, इसे निमोनिक्स बोलते थे, ऐसे करके कुछ बोला जाता था, और असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता था। लेकिन ये काफ़ी क्या होता था कि हार्ड टिपिकल होता था लोगों को समझना, जैसे अब ऐड कोई भी जोड़ करना है तो वहाँ पे ऐड वाला ऐसे ऐड लिखा जाता था, ऐड लिखा जाता तो होता था। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए। फ्रेंड यहाँ पे पेरिफेरल का तो मतलब हम लोग समझते ही हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था कि पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल क्या होता है कि जिसे हम बाह्य रूप से कनेक्ट करते हैं, यानी एक्सटर्नल है, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है जिसे क्या करते हैं, कंप्यूटर से हम बाह्य रूप से कनेक्ट करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कंप्यूटर बूट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। मैंने भी बताया कि कंप्यूटर कोई भी है वो तब तक बूट नहीं कर सकता है, तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। और किसी भी चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बूटिंग करना, और जब तक वो बूट ना करेगा तो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से वो बूट नहीं करता है। कभी कभी फ्रेंड यहाँ पे बूटिंग तब भी होने लगती है जब उसमें वायरस आ जाते हैं, तो फिर खैर यहाँ पे वायरस की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया कि कंप्यूटर बूट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड यहाँ पे HTML क्या है, यह है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फ्रेंड इसके लिए कोई स्पेशली सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होता है। ये क्या होता है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि नोटपैड पे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसी पे .html करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, और जब उसे रन कराते हैं तो वो रन करने दे। बाय द वे लेकिन कोडिंग सही होना चाहिए, इसके लिए कोई से भी स्पेशल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? फ्रेंड यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। एंड फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन था, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये फ्रेंड चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। फ्रेंड हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसे हम कैटेगराइज किया गया है जनरेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट में क्या हुआ था कि वॉल्व का यूज हुआ था, और सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में क्या होता है आईसी का, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। तो आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड, और सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वॉल्व का यूज हुआ था, फिर ट्रांजिस्टर एंड थर्ड का आईसी। ठीक है, तो आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और वॉल्व क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा वो, पर आप लोगों को पता है कि जो हमारा पहला कंप्यूटर है तो पूरे एक कमरे के बराबर बना था। इसी प्रकार जब हमारा सेकेंड आया था ट्रांजिस्टर, यानी जो सेमी कंडक्टर से बना था, इसमें क्या होता था कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, थोड़ा उससे कम छोटा हुआ, और फिर जब आईसी का यूज हुआ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो काफ़ी छोटा हो गया था। अब आप लोग जानते हैं कि अभी तक तो हमारे हाथ के आकार का पॉम टॉप भी आ चुका है मार्केट में। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली प्रोसेसिंग तथा टाइम सेविंग प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये तो सब लोग जानते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता है। यहाँ पे टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक ही साथ कई सारे प्रोग्राम आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो उसको क्या करता है कि अलग अलग टाइम में डिवाइड कर देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग करते हैं। और स्लॉट्स जो उसके स्लॉट्स होते हैं जो डिवाइड किया गया है वो क्या करते हैं उसी के हिसाब से वर्क करता है।
एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? फ्रेंड यहाँ पे एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। फ्रेंड आप सबको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज को ही बोलते हैं, जो कि पॉल एलन के साथ में मिलकर के कंप्यूटर का विकास किया था। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में उपस्थित टैब की का प्रयोग किस लिए करते हैं? फ्रेंड हमारा जो पैराग्राफ होता है उसे इंडेंट करने के लिए टैब की का यूज़ करते हैं। अक्सर हम लोग देखा होगा कीबोर्ड में एक टैब की होता है जिसका यूज़ क्या करते हैं, कई सारे पैराग्राफ रहते हैं उसे इंडेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे जो OCR है फ्रेंड, ये क्या होता है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें OCR होता है, ये क्या करते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या करते हैं, OCR का यूज होता है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो कॉपियाँ चेक होती है तो वहाँ पे किसका यूज होता है, OCR का यूज होता है। वो डायरेक्ट क्या करता है कि उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये क्या है, और रिकॉग्नाइज करके ये क्या करता है कि उसका आंसर तुरंत नंबरिंग कर देता है। एंड इसी तरह क्या होता है कि एक होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्या होता है कि बैंकों में इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह OCR, MICR और OMR होता है, OMR ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। तो फ्रेंड यहाँ पे OCR का जिक्र हुआ था तो मैंने इन तीनों को बता दिया क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं, OCR, OMR और MICR। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड पावर पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग लाई जाती है? तो माउस, सब लोग जानते हैं कि माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है कि पॉइंटिंग का काम करता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा, MS Access। ये क्या होता है कि जब हम MS Access इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि MS Office इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा डेटाबेस के रूप में काम करता है MS Access करता है। तो फ्रेंड आप लोग ये MS Access समझा, हम बता रहे हैं किस प्रकार होता है, जैसे SQL अगर हमारा कोई डेटा स्टोर है तो हमें सर्च करना है, तो ये सर्च कैसे होगा, जो हमारा डेटा स्टोर है कहीं ना कहीं जा कर के स्टोर हुआ होगा, तो जहाँ वो स्टोर हुआ होगा वही डेटाबेस है, और वहीं से क्या करता है, फैचिंग करना यानी डेटा को खोजना, वही क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेसिंग कहलाएगा। तो MS Access क्या होता है कि डेटाबेस अधिक पाया जाता है PCs में यानी पर्सनल कंप्यूटर्स में। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। सब लोग जानते हैं फ्रेंड डायरेक्टरी क्या होता है कि फाइलों का समूह होता है यानी कलेक्शन ऑफ फाइल्स। मान लीजिए यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है, इसके भी क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ऐसे हम लोग पढ़े होंगे अक्सर, ये रूट्स हैं। तो ये क्या है, एक ये डायरेक्टरी हो गया, ये इसके क्या होते हैं, सब चाइल्ड्स होते हैं। इसी प्रकार ये क्या होते हैं, इसको हम फाइल्स बोल सकते हैं। एंड नाउ फ्रेंड इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा कि डायरेक्टरी क्या होता है कि फाइलों का समूह होता है, और उसके क्या होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब चाइल्ड्स बोलते हैं। सब चाइल्ड्स को फाइल भी बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में। ऐसे तो यहाँ पे डायरेक्टरी मतलब फाइल का समूह होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड यहाँ पे FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि क्या करता है कि वेब पे यानी जो हमारा इंटरनेट है उस पे डेटा को दो डायरेक्टरी के बीच ट्रांसफ़र करता है। यानी मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है और किसी दूसरे के कंप्यूटर, उसमें किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो क्या करता है, FTP के माध्यम से ही डेटा को ट्रांसफ़र करता है। फ्रेंड कोई भी काम बिना प्रोटोकॉल के द्वारा नहीं होता है। जैसे हमारे भी लाइफ में कई सारे रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब यहाँ पे रूल्स से लेते हैं हम कि कोई भी काम करना है तो उसको क्या होता है, एक रूल होता है। उसी तरह जो हमारा इंटरनेट है उस पर भी क्या होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। उसी में जो FTP है उसी लेयर का एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे FTP का मतलब क्या हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था?
फ्रेंड्स सब कोई जानता है कि वायरस क्या होता है, क्योंकि आजकल बच्चा बच्चा भी वायरस से कंफर्म हो चुका है जो कि इस टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस। तो यहाँ पे जो वायरस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस है, जो कि क्या करता है कि कंप्यूटर में आकर के अनवांटेड फाइल को क्या करता है, बनाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर हैंग होने लगते हैं और क्या होता है डेटा कभी कभी ऑटोमेटिक सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। तो जो ये कंप्यूटर था पहला भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर क्या है, सी ब्रेन कंप्यूटर था। फ्रेंड इसी के लिए हम क्या करते हैं अक्सर अपने लैपटॉप में एंटीवायरस का भी यूज होता है, जो क्या करता है कि वायरस से हमारे कंप्यूटर की अच्छे से रक्षा करता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब पेज पे नेविगेबल विंडो का काम करता है। फ्रेंड यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे, जब हम अपना लैपटॉप खोलते हैं या फिर तो वहाँ पे एक ई बना रहता है और ऐसे गोल घुमा रहता है और ये क्या होता है ब्लू कलर का रहता है, ब्लू कलर से रहता है फ्रेंड, ये पूरा मान लीजिए ब्लू से पूरा पूरा घिरा रहता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे इसको रहने ही देते हैं। तो जो हमारा वेब ब्राउज़र जो क्या करता है कि मतलब जो हमारा सर्वर है वहाँ से डेटा को क्या करता है हमारे कंप्यूटर में सर्च करके लाता है। तो किसके माध्यम से होता है, वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ पे वेब ब्राउज़र की बात हुई है तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो जैसे आपने गूगल क्रोम देखा होगा, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इस टाइप से बहुत सारे जो होते हैं कि हमारे क्या होते हैं वेब ब्राउज़र होते हैं जो क्या करते हैं प्रोग्राम होते हैं और क्या करते हैं वेब से नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कम्युनिकेशन ऑल प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, HTTP। तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड ये क्या होता है कि इंटरनेट पे पाए जाने वाला एक प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है कम्युनिकेशन ऑल प्रोटोकॉल करता है, जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बीच में क्या करता है कम्युनिकेशन यानी रिलेशन स्थापित करता है और वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को क्या करता है एक्सेस करता है। तो मान लीजिए कोई हम अगर डेटा सर्च करते हैं तो यहाँ वो क्या करता है कि हमें मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है HTTP का भी उसमें योगदान होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेनू का प्रयोग किया जाता है, किस पर, तो कमांड आधारित यूजर इंटरफेस में। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपना जिसे हम लोग सबको जानता है कि जो कंप्यूटर होता है बाइनरी होता है, बाइनरी लैंग्वेज यानी दो को वन और जीरो को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। लेकिन पहले क्या होता था कि ग्राफिकल कैरेक्टर इंटरफेस आधारित होता था यानी कमांड, जो कि हम लोग क्या करते थे कि कमांड भेजते थे उसी के द्वारा सर्च होता था, जो कि काफ़ी टिपिकल होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम लोग उसमें जो बाइनरी आ गया है जो वन और जीरो के फॉर्म में सर्चिंग होती है वो काफ़ी ईजी होती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ पे सेव करते हैं। फ्रेंड कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग अपना कभी कभी क्या हमेशा यूज़ करते हैं कि अगर कोई गलत टेक्स्ट अगर मैंने कहीं गलत जगह पे लिख दिया है तो उसको क्या करते हैं तुरंत कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। तो जो कॉपी और पेस्ट के बीच में जो चीज़ है वो कहाँ पे सेव होती है, कहीं तो सेव होती होगी, तो वो क्या होता है क्लिपबोर्ड पे जा करके सेव होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस को रेफर किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, सेल का रो और कॉलम का लेबल। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था ने किया था। सीडेक, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीडेक ने किया था। फ्रेंड ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस को रेफर किया जाता है किस प्रकार से। फ्रेंड हम लोग जब भी एड्रेस की बात आएगी तो वहाँ पे ये होगा कि जो MS Excel होता है उसमें क्या होता है कि एक सेल होता है, सेल की एड्रेसिंग किस प्रकार करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेल का रो होता है वो कर उसका नाम और उसके बाद कॉलम का कि किस नंबर पे कॉलम स्थित है। फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है और फ्रेंड ये मेरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड
इसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एंड थैंक यू।